हे भगवान, आज अतिरुद्र महायज्ञ का 15वां दिन भगवान लकुल जी के अनुग्रह से संपन्न हुआ। शास्त्र में कहा है, मानव यज्ञ ईश्वर कृपा। मानव प्रयत्न करता है और इसमें ईश्वर की कृपा जुड़ जाती है तो कार्य संपन्न होता है। आज के अतिरुद्र महायज्ञ के 15वें दिन को संपन्न करने जिन आत्मीयजनों ने यजमान के रूप में दान दक्षिणा से सहयोग दिया, भगवान रुद्रदेव से महादेव से प्रार्थना है कि हे प्रभु, वह सभी यजमानों का और उनके परिवारजनों का कल्याण करना। जो आत्मीयजन आज के अतिरुद्र यज्ञ को संपन्न करने यहाँ उपस्थित रहकर आहुति देकर और सेवा कार्य के द्वारा सहयोग किया, उन सभी के लिए और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की, भगवान उन सबका कल्याण करना। जो ब्राह्मण देवों ने आज के यज्ञ को संपन्न करवाया, उनका और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की, उन सबका कल्याण करना। वर्तमान में पृथ्वी पर अनेकों प्रदेशों में मानव जाति रोग और भय से त्रस्त है, पीड़ित है। हे प्रभु, जब जब 14 लोकों में जीवात्माओं और मुख्यतः पृथ्वी पर मानव भयभीत होते हैं, पीड़ित होते हैं और उसी स्थिति में आपकी शरण में आते हैं, तो आप निश्चित रूप से शरणागत वत्सल प्रभु आपके शरण में आए हुए सभी की रक्षा करते हो। हम सभी आपकी शरण में आए हैं कि हमारी सबकी रक्षा कीजिए, मानव जाति की रक्षा कीजिए, मानव जाति को रोग भय के त्रस्त से मुक्त कीजिए, जिससे वो सामान्य जीवन जीते हुए धर्म कार्य करते हुए कल्याणकारी पद पर आगे बढ़े। आज शनिचर दिन है और प्रत्येक महीने जो शिवरात्रि आती है उसके अगले दिन प्रदोष व्रत होता है। आज शनि प्रदोष है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में प्रत्येक व्रत के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कहानी भी, इतिहास की कुछ घटनाएं रही होती है। स्कंद पुराण में शनि प्रदोष का महात्म्य समझाते हुए बताया है कि एक बार कोई विधवा ब्राह्मणी उसके बच्चे के साथ भिक्षा मांगने के लिए जाती थी और संध्या काल को वापस आती थी। एक बार जब वो विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने बच्चे के साथ शाम को घर वापस आ रही थी, तब उसने नदी किनारे एक अकेले बच्चे को देखा। बच्चा सुंदर दैदीप्यमान था। ब्राह्मणी उसके पास गई। बच्चा अकेला था और उसका कोई नहीं था। वह ब्राह्मणी उस बच्चे को अपने घर ले आया और एक उसका अपना बेटा और दूसरा जो वहां से नदी किनारे से उसको मिला था वह बेटा, दोनों बच्चों को अपने बच्चे की भांति सेवा करने लगी, उनका पालन पोषण करती थी। वक्त बीतता चला गया। दोनों बच्चे जैसे सगे भाई हो ऐसे खेल कूद करते बड़े होते चले गए। एक बार वह विधवा ब्राह्मणी अपने दोनों बच्चों के साथ देव मंदिर को दर्शन के लिए गई थी। वहां पर ऋषि सांडिल्य उपस्थित थे। सांडिल्य मुनि ने वह ब्राह्मणी और उसके दोनों बच्चों को देखा तो उस ब्राह्मणी को कहा, ये ब्राह्मणी, तेरे साथ जो ये बच्चा है वो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और पूर्व में शत्रुओं के द्वारा उसका पिता मारा गया और ब्राह ने उसकी माता को मार दिया था। वह बच्चा संयोग से और पूर्व प्रारब्ध से तुझे प्राप्त हुआ है, तू प्रदोष का व्रत कर, इसे कल्याण होगा। सांडिल्य मुनि ने वह ब्राह्मणी को प्रदोष का व्रत समझाया कि सूर्योदय से पहले उठकर शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान का पूजन करना, कंजपाद से भगवान का पूजन करना, देव मंदिर में जाना और विध विध उपचारों के द्वारा, रसों के द्वारा भगवान का पूजन करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना, पूरे दिन अन्न का भोजन मत करना, पूरे दिन पूजन करना, भगवान की आराधना करना
रात्रि के प्रथम प्रहर तक पूजन इत्यादि करना, इसमें पूजन का विधि विधान समझाए। इस प्रकार उन्होंने वह ब्राह्मणी को गजोस व्रत करने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने सांडिल्य मुनि की बात को स्वीकार किया और गजोस का व्रत शुरू किया। वह विधवा ब्राह्मणी के साथ उसके दोनों बच्चे, यानी कि वह विदर्भ का राजकुमार धर्मगुप्त और एक उसका बेटा, तो वह दोनों बच्चों ने भी प्रजोष का व्रत करना शुरू किया। कि माता और दोनों बच्चे तीनों प्रजोष का व्रत करते थे। बच्चे और बड़े हुए, वह युवावस्था में आए और एक बार दोनों भाई घूमने के लिए गए थे। वन में दोनों भाई घूम रहे थे, तब उन्होंने वहां पर कुछ गंधर्व कन्याओं को वन में घूमते हुए देखा। तब वहां से वो ब्राह्मण का बालक था जो, वो तो वापस आ गया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त था वो गंधर्व कन्याओं में जो सबसे आगे थी या तो सबसे श्रेष्ठ थी, उस अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से वो बात करने लगा। देवयोग से राजकुमार धर्मगुप्त को वह गंधर्व कन्या अंशुमती को एक दूसरे के प्रति जुड़ाव हुआ और दोनों ने साथ जीने का निर्णय किया। इसके बाद कई बार दोनों का मिलना हुआ। वह गंधर्व कन्या उस वन में आती थी और वह राजकुमार यानी वो ब्राह्मणी के यहाँ जो पल रहा वो राजकुमार था, वह भी वन में जाता था। दोनों मिलते थे, बातें करते थे। आखिर दोनों ने तय किया कि हम जीवन साथ जिएंगे। गंधर्व कन्या ने कहा, आप मेरे पिताजी से मिलिए, उनसे बात कीजिए। दूसरे दिन राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व राज से मिलने गया। जब राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व राज से मिला तो गंधर्व राज ने कहा, पुत्र तुम विदर्भ के राजकुमार हो, मैं ये सब जानता हूं और भगवान शिव की इच्छा से तुम दोनों का मिलन हुआ है, मुझे इससे प्रसन्नता है और मैं आपको अनुमति देता हूं। इसके बाद धर्मगुप्त का और अंशुमति का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात धर्मगुप्त ने गंधर्व राज का सैन्य लेकर विदर्भ के राज्य पर जो शत्रु राज्य ने कब्जा कर लिया था वहां युद्ध किया और विदर्भ के राज्य को शत्रु से मुक्त करके पुनः वह राज्य प्राप्त की और सुख चैन से अपनी जिंदगी जीने लगे। स्कंद पुराण ने बताया है कि वह राजकुमार ने प्रजोष का व्रत किया, प्रजोष के व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और उसको पुनः उसका गया हुआ राज भी मिला और सुखपूर्वक का जीवन भी मिला। शनि प्रजोष का ऐसा स्कंद पुराण में महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी को संतान की प्राप्ति में विलंब हो रहा हो तो प्रजोष का व्रत जरूर करना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ प्रजोष का व्रत किया जाए तो संतान की प्राप्ति में यदि विलंब होता है या तो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उसमें जरूर ईश्वर की कृपा मिलती है, ऐसा प्रजोष का व्रत का महत्व में भी समझाया गया है। इसके सिवा भी प्रजोष के व्रत के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चारों में वो कल्याण करने वाला है। आज प्रजोष का व्रत का दिन है, जो आज में जन अभी शाम को प्रजोष की पूजा में बैठना चाहते हो तो उनको दोपहर को तो यज्ञ की वजह से उन्होंने भोजन नहीं किया था और फलाहार किया था और प्रजोष के व्रत के लिए जरूरी होता है तो प्रजोष की पूजन से पहले अन्न न ग्रहण करें, दिन भर अन्न को ग्रहण न करें और प्रथम प्रहर को पूजा संपन्न करने के बाद फिर भोजन इत्यादि ले सकते हैं। तो अभी करीब 7:45 बजे ब्राह्मण जब अपने यज्ञ के बाद कार्य से निवृत्त होकर आएंगे तो प्रजोष की पूजा शुरू होगी और प्रजोष की पूजा सभी को लाभ लेने के लिए कुछ आदमी जन यहाँ बैठेंगे, कुछ मंदिर में बैठेंगे और सब प्रजोष की पूजा का लाभ ले सकते हैं। पुनः याद करता हूँ कि मानव का जीवन बुलबुले की भांति है। बुलबुला यानी परपोटो, जैसे बुलबुला क्षणिक होता है, क्षण भर में फूट जाता है, ऐसा मनुष्य का जीवन भी क्षण भंगुर है। कोई बचपन में ही किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की युवावस्था में मृत्यु होती है, किसी की वृद्धावस्था में मृत्यु होती है और किसी की वृद्धावस्था में, किसी की बीमारी से मृत्यु होती है, किसी की अकस्मात से मृत्यु होती है, किसी की पेड़ गिरने से, सांप के काट लेने से या तो दूसरी घटनाओं से मृत्यु होती है।
और कई कारण ऐसे हैं कि जैसे कोई कोई कारण से किसी की मृत्यु हो जाती है, किंतु जातस्य यदि ध्रुव मृत्यु कि पृथ्वी पर जन्मे हुए का मृत्यु वो सामान्यतः देखने मिलता है। इन सब के अंदर हमारे लिए श्रेष्ठ क्या, क्योंकि हमारा जीवन क्षण भंगुर है, किंतु इस क्षण भंगुर जीवन में जितना हम धर्म का कार्य कर ले वह हमारी कमाई है। जितना हमने धर्म कर्म कर लिया इतना कमाई, मृत्यु के बाद न पति साथ देता है, न पत्नी, न मित्र, न परिचित, किंतु अपने कर्म साथ देते हैं। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धर्म कर्म करते रहना चाहिए। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो भी धर्म करना कर्म करना चाहिए, अपने वंश का सुख चाहते हैं तब भी धर्म कर्म करना चाहिए, और अपने आने वाले जन्मों में कल्याण चाहते हैं तब भी धर्म कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, कभी कभार होता है हम जीवन में धर्म का पालन करते हैं फिर भी जीवन में दिक्कत आती है, और जो अधर्म अनिति करते हैं फिर भी कभी सुखी दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों? मैंने एक बार कबीर जी का एक दोहा पढ़ा था कि कोई कबीर जी के पास गया, पूछा कि हम जीवन में धर्म कर्म करते हैं फिर भी दुखी पीड़ित है, और कई लोग अधर्म अनिति करते हैं फिर भी सुखी है, तो ऐसा क्यों? कबीर जी ने कहा, कबीरा तेरा पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक अवगुण माफ है करो गुना हजार, के पूर्व के श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है, इसीलिए उसको वर्तमान में अधर्म कर्मों के बाद भी उसको सुख मिल रहा है। जब पूर्व के पुण्य कर्मों का फल समाप्त होगा तो वर्तमान में किए हुए अधर्म कर्मों पर भी उसको दंडित करेंगे, इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि विवेक से जीवन जीना चाहिए। किंतु फिर भी याद करना चाहिए कि विवेक से जीवन जीना, कभी ऐसा वक्त आता है कि जैसे किसी के पास गाय हो, घोड़ा हो, गधा हो, तीन हो, तो भगवान तो तीनों में है, ममे वासो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश तीनों में है, गाय में भी है, घोड़े में भी है और गधे में भी है, तो तीनों का उपयोग कैसे करेंगे? तो गाय को खिलाएंगे, दूध निकालेंगे और उसका दूध को कुछ पान करेंगे, भगवान के लिए प्रसाद बनाएंगे, घी बनाएंगे, यज्ञ करेंगे, घोड़े पर सवारी करेंगे और यात्रा करेंगे, और गधे में वजन रखकर उसको दूसरी जगह वजन ले जाने के लिए उपयोग करेंगे, यही इन तीनों का उपयोग है। भगवान का अंश तो तीनों में है, किंतु विवेक की बात यह है कि तीनों का जो कार्य है उसी अनुसार उपयोग किया जाए। गाय को सवारी के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, न उस पर वजन रखना चाहिए, और गधे को भी वजन के लिए ही प्रयोग करना चाहिए, गधे की सवारी इतनी अच्छी नहीं है जितनी घोड़े की, तो ये विवेक की बात है। ऐसे ही हमें जीवन में धर्म कर्म करना चाहिए, और धर्म कर्म विवेक सहित करना चाहिए। एक जैसे दिखाई पड़ते दो कर्म, कोई पाप होता है कोई पुण्य होता है। जैसे कि एक जगह एक चौराहे पे दो व्यक्ति खड़े थे, और दो व्यक्ति पर किसी दूर से दो व्यक्तियों ने बंदूक से गोलियां चला दी, और खड़े हुए दोनों व्यक्ति मर गए। एक ने एक व्यक्ति पे गोली चलाई थी और दूसरे ने दूसरे व्यक्ति पे गोली चलाई थी। कोर्ट में केस चला, उन दोनों को पकड़ लिया गया। इसमें से जो दोनों ने गोलियां चलाई थी इसमें से एक को फांसी की सजा दी गई और दूसरे को राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया। दोनों ने एक जैसा ही काम किया था कि अपने अपने बंदूक से गोलियां चलाई थी और दोनों ने सामने से एक व्यक्ति को मार दिया था। तो काम एक जैसा था कि बंदूक दोनों ने गोलियां चलाई और एक एक व्यक्ति को मार दिया, किंतु एक ने गोली चलाकर निर्दोष को मारा था इसीलिए उसको फांसी की सजा हुई, और दूसरे ने गोली चलाकर एक आतंकवादी को मारा था इसीलिए उसको सम्मानित किया गया। तो एक जैसा दिखाई पड़ने वाला काम, किंतु एक काम से सम्मान मिलता है और एक काम को सजा मिलती है। एक जैसा काम कि दो लोगों को बात बात में झगड़ा हो गया और किसी ने कुछ चाकू या तो धार वाला सामने वाले के पेट पर चला दिया तो थोड़ा घाव हो गया और दोनों परिवार में बड़ा झगड़ा हुआ और कोर्ट केस हो गया। घटना यह थी कि उसने आकाश में मेरे पेट पर चाकू चला दिया और मुझे चमड़ी थोड़ी कट गई, और उसके दो चार दिन के बाद वही व्यक्ति को बीमारी थी, अस्पताल में गए और डॉक्टर ने उसको पेट पर चाकू चलाया तो शस्त्र चलाया और काट कर उसके ऑपरेशन किया और उसको पैसा दिया डॉक्टर को। काम दोनों एक जैसा था कि पहले ने जरा सा कुछ चलाया था शस्त्र और कट गया था तो झगड़ा हो गया और कोर्ट कचेरी हो गई, और उसके दो चार दिन के बाद बीमारी हुई और अस्पताल में गए डॉक्टर को, डॉक्टर ने भी उसी के पेट पर शस्त्र चलाया और काटा, अंदर से कुछ निकाला और फिर टांके लिए और फिर कहा कि 50,000 रुपया देना पड़ेगा काटने का, ठीक है।
एक जैसे दिखाई पड़ते दोनों काम, उद्देश्य क्या है उससे निर्मित होता है कि काम पुण्य है या तो पाप है, काम धर्म है या तो अधर्म है। मोहल्ले में किसी ने एक बच्चे को तमाच लगाई तो घर परिवार वाले वहां झगड़ने के लिए पहुंचे, मेरे बेटे को क्यों पिटाई, तमाच क्यों लगाई, और बड़ा झगड़ा हो गया। और उसी बच्चे को वो कुछ गलती की थी और उसकी माँ ने दो तमाच लगा दी, तभी उसके पिता ने कहा और दो तमाच लगाने चाहिए उसको। एक जैसा दिखाई पड़ने वाले काम, तो विवेक शास्त्र में एक शब्द है विवेक, कि कौन सा काम कब करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए, उससे निर्णित होता है हमारा काम धर्म कर्म है या अधर्म कर्म, पाप कर्म है या पुण्य कर्म। मुख्यतः हम तीन प्रकार के काम करते हैं। एक काम होता है धर्म कर्म, दूसरा काम होता है पुण्य कर्म, और तीसरा अधर्म और पाप कर्म। ये तीन प्रकार के कर्म हम ज्यादातर करते हैं। अधर्म और पाप दोनों, तो अधर्म करोगे तो पाप ही हो जाएगा, पाप हुआ मतलब अधर्म कर्म ही है, तो अधर्म या पाप का फल है दुख, कष्ट, पीड़ा, दिक्कतें। बाकी रहे जो पुण्य कर्म और धर्म कर्म। पुण्य कर्म यानी किसी को मदद किया, उसको कहते हैं पुण्य कर्म करना, किंतु जिस कर्म के अंदर भगवत भाव जुड़ जाए वो हो गया धर्म कर्म। कि जैसे एक व्यक्ति ने दो रोटी लेकर घर में से निकला, एक रोटी कुत्ते को डाली, दूसरी एक रोटी गाय को डाली। जब वो कुत्ते को रोटी डाल रहा है तब उसके मन में सिर्फ इतना है कि भूखे कुत्ते को खिलाना है, और जब उसने रोटी गाय को डाली तब उसके मन में है कि गाय में भगवान का वास है, और ऐसा मानकर उसने गाय को रोटी खिलाई, गाय को प्रणाम किया। काम तो एक जैसा ही था कि कुत्ते को भी रोटी डाली, गाय को भी रोटी डाली, किंतु कुत्ते को रोटी डालकर पुण्य कर्म किया और गाय को रोटी डालकर धर्म कर्म किया। तो क्या कुत्ते को रोटी डालकर भी धर्म कर्म हो सकता है? तो हाँ। उसका मैं एक उदाहरण कहता हूँ। नामदेव जी एक बार तीर्थ यात्रा में गए थे, अपने लिए रोटी पकाई थी, गर्म रोटी को ठंडा करने के लिए रखा था तो उसको थोड़ा तिरछा करके रखा था। इस वक्त एक काला कुत्ता आया और वो काला कुत्ता वो रोटी लेकर भागा था। नामदेव जी ने देखा कि काला कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है तो घी की कटोरी लेकर इसके पीछे दौड़े। उन्होंने सोचा कि श्याम भी कृष्ण भगवान की श्याम और कुत्ता भी श्याम, तो निश्चित है कृष्ण ही आए हैं। तो भगवान रुक जाइए, मैं थोड़ा घी लगा दूं आपके गले में, ये सूखी रोटी है तो ठीक नहीं, आप मैं जरा घी लगा दूं, रुकिए भगवान रुकिए भगवान रुकिए। तो वो कुत्ता तो वहां से गया, किंतु भगवान ने उसको दर्शन दिया। जब कुत्ते में भी भगवत भाव आ जाए तो वह धर्म कर्म है, किंतु कुत्ते में जब पशु भाव आए तो वह पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म का फल मिलता है सुख, धर्म कर्म का फल मिलता है सुख और शांति। आपने कभी देखा होगा कि कई व्यक्ति के पास सुख बहुत होता है किंतु शांति नहीं होती है, तो आप सरलता से निर्णय कर पाओगे कि गुरु जी कहते थे हाँ ठीक बात है, पुण्य का फल मिल रहा है उसको। और कई व्यक्ति को आपने देखा होगा कि सुख के साथ शांति भी है, चाहे गरीब क्यों ना हो, तब आप तुरंत निर्णय कर पाओगे उसने धर्म कर्म किया है, इसीलिए सुख के साथ शांति है। हम प्रयत्न करेंगे जीवन में धर्म कर्म करते चले। हमारे शास्त्रों ने कहा कि जो घर में जो परिवार में धर्म बढ़ता है निश्चित मानो उसकी पीढ़ियों में भविष्य सुख शांति बढ़ेगी, वर्तमान में चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो। और जिस घर परिवार में अधर्म बढ़ता है तो वर्तमान में कितने भी सुख शांति क्यों ना हो निश्चित मानो तो भविष्य में उनके लिए दुख पतन का रास्ता खुलेगा। अब निर्णय हमें करना है, हमें अपनी पीढ़ियों को सुख शांति देना है, स्वयं सुख शांति से जीना है, या तो भविष्य को पतन करना है। यदि भविष्य में सुख शांति चाहिए तो धर्म करो, अकेला सुख चाहिए तो पुण्य करो, और दुख चाहिए तो पाप करो। हम प्रयत्न करें कि हम अपने जीवन के भाग्य विधाता हम स्वयं अपने कर्मों के द्वारा बन जाते हैं। जो भूतकाल में हो गया उसको तो बदल नहीं सकते हैं, उसको तो फल भुगतने पड़ेंगे, किंतु आने वाले वक्त में अच्छे कर्म करें। यदि भूतकाल में भी कोई ऐसे कर्म हो गए हैं तो क्या करें? तो कोई व्यक्ति एक बार कोई संत के पास गया कि मेरे से भूतकाल में कई गलतियां हुई है, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि तो भूतकाल तो नहीं बदल सकते हैं, किंतु एक जगह खड्डा किया है तो कहीं दूसरी खड्डे हैं उसको भरो, तो कम से कम जब उस कर्म का फल आएगा तो आपके पास कुछ अनुकूलता भी आएगी, तो वह फल आपको इतना कठिन नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर इस बात को कथा लिखना है कि दुखी पीड़ित की सेवा करें, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बीमार को दवाई, पशु पक्षी की सेवा, पेड़ पौधों को पानी पिलाए, भूखे की सेवा करें,
देवताओं को प्रार्थना करे, पूजन करे, माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा करे और यज्ञ इत्यादि कार्यों के द्वारा, देव पूजन इत्यादि कार्यों के द्वारा, व्रत तप जप इत्यादि के द्वारा देवाराधना करे और अपने जीवन का कल्याण करे, दूसरों के जीवन कल्याण में सहयोगी बने और यदि कोई इससे भी आगे बढ़कर अपना संपूर्ण जीवन अपने जीवात्मा के कल्याण और सर्व कल्याण के लिए समर्पित कर दे तो वह जीवन में सबसे श्रेष्ठ घटना होती है। उसको कहते हैं मोक्ष पुरुषार्थ की ओर चलना, संन्यास मार्ग की ओर चलना, साधुता के पथ पर चलना। और ये किस व्यक्ति को इस मार्ग पर चलना चाहिए और कब चलना चाहिए? कई बार लोग कहते हैं वो सब घर में ठीक हो जाएगा, बच्चों की शादी हो जाएगी इसके बाद, तो कई बार कहते हैं बच्चों की शादी हो जाए और बच्चों के घर बच्चे हो जाए इसके बाद। और कई लोग इससे भी थोड़ा ज्यादा कहते हैं बच्चों के घर बच्चे तो हो गए हैं, वो थोड़े बड़े हो जाए इसके बाद, किंतु मृत्यु कब आ जाएगी कोई पता नहीं। इसीलिए कहा है कि न बचपन की बात सोचो, न जवानी की बात सोचो, न बुढ़ापे की बात सोचो, मृत्यु की बात सोचो और जीवात्मा का कल्याण सोचो और जब जब गए तब चल पड़ो। प्रयत्न करना चाहिए कि हम ईश्वर के मार्ग पर चले, कल्याण के मार्ग पर चले। यदि इतना साहस न भी हो तभी जितना ज्यादा वक्त धर्म के लिए उपयोग कर सके उपयोग करे, इसमें अपना कल्याण है और सबका कल्याण है। अंत में आज ईश्वर कृपा से भगवान लखन जी के अनुग्रह से 15वें दिन का अतिरुद्र यज्ञ उत्तम रीति से संपन्न हुआ। अभी और 6 दिन बाकी है, बहती गंगा है, डुबकी लगाकर अपना कल्याण करना है। जीवन का वक्त तो कुछ न कुछ कार्य में बीत जाता है, कभी बीमारी होती है तो हम वक्त को न चाहने पर भी वक्त गंवाना ही पड़ता है। परिवार में व्यवहार में दिक्कत आ जाती है तो न चाहने पर भी उस दिक्कत में उलझे रहते हैं, तो दिक्कत में बीमारियों में उलझ कर भी तो वक्त जाता है। तो इसे अच्छा है कि धर्म के लिए वक्त का प्रयोग किया जाए, प्रयत्न करना। तो बाकी से 6 दिन है अभी, अपने अतिरुद्र यज्ञ के जितना भी ज्यादा लाभ ले सको लाभ लेना। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका कल्याण करे, आपके परिवार जनों का कल्याण करे और सबकी जीवन यात्रा धर्म मार्ग पर कल्याण मार्ग पर आगे बढ़े। ओ ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।